गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट्स. दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास 9th, दैट इज इंग्लिश मेन कोर्स बुक. दीज आर द चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय. नाउ वी विल स्टडी द चैप्टर ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय. व्हाट द राइटर सेज इन दिस चैप्टर. बेसिकली दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लेटर. इट वॉज रिटन बाय इब्राहिम लिंकन टू हिज सन्स टीचर. इट मीन्स ये इस चैप्टर में एक लेटर डिस्क्राइब की है और ये इब्राहिम लिंकन ने अपने ही बेटे के टीचर को लिखी है. नाउ वी विल रीड. इब्राहिम लिंकन सन इज एट स्कूल. लिंकन राइट्स अ लेटर टू हिज सन्स टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू मोल्ड द बॉय इन सच अ वे दैट ही ग्रोज अप टू बी अ गुड ह्यूमन बींग. इब्राहिम लिंकन का जो बेटा है वो स्कूल में पढ़ता है. लिंकन ने एक लेटर लिखी है अपने ही सन के टीचर को और उसमें वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने लड़के को इस तरह से बना दे दैट ही ग्रोज अप टू बी अ गुड ह्यूमन बींग. इट मीन्स कि वो लाइफ में एक अच्छा ह्यूमन बींग बन सके. वट आर द क्वालिटीज़ विच मेक वन अ गुड ह्यूमन बींग. एक अच्छा ह्यूमन बींग बनने के लिए एक पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या इब्राहिम लिंकन चाहता है कि उसके अंदर उसके बेटे के अंदर डेवलप हो जाएं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इस लेटर के थ्रू वो लिखता है. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर. ही विल हैव टू लर्न. इट मीन्स इब्राहिम लिंकन के बेटे के लिए वो ये चाहता है कि उसे अपनी लाइफ में सीखना होगा. आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट. कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं नॉट जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण नहीं होते. ऑल मैन आर नॉट ट्रू. सारे ह्यूमन बीइंग्स लाइफ में रियल नहीं होते. बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंडल देयर इज़ अ हीरो. बट उसको ये भी सिखाओ कि अगर एक वर्ल्ड में एक स्काउंडल है तो वहाँ पे एक हीरो भी है. दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर. इट मीन्स अगर वर्ल्ड में सेल्फिश पॉलिटिशियन है जो लोगों के बारे में नहीं अपने बारे में सोचता है तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड लीडर भी है. टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देर इज़ अ फ्रेंड. उसको ये भी सिखाया जाए कि अगर एनिमीज हैं तो फ्रेंड्स भी हैं. इट विल टेक टाइम. मुझे पता है इस चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा. आई नो बट टीच हिम. बट उसको सिखाओ इफ़ यू कैन दैट अ डॉलर अर्नड इज़ अ फार मोर वैल्यू देन फाइव फाउंड. इट मीन्स उसको ये सिखाओ कि खुद के कमाए हुए डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि अगर हमें फाइव डॉलर्स हमें इसी तरह से मिल जाएं. टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू इन्जॉय द विनिंग. और उसको ये भी सिखाया जाए कि अगर हमें खोने पर सीखने को मिलता है तो हमें जीतने का भी खुशी कर. टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू इन्जॉय विनिंग. इट मीन्स उसे हारना भी सिखाए और साथ ही साथ उसे जीत की खुशी को भी मनाना उसे सिखाए. स्टीर हिम अवे फ्रॉम द एनवी. एनवी मीन्स जेलसी. उसे सिखाया जाए कि जेलसी से कैसे दूर रहा जाता है. इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ द क्वाइट लाफ्टर. उसको ये भी सिखाया जाए कि चुपचाप या शांति के तरह से कैसे हंसा जा सकता है. लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक. उसको ये शुरुआत में या बहुत जल्द ही सिखा देना चाहिए कि जो बुलीज़ मतलब जो गलत लोग हैं या किसी के ऊपर डोमिनेट करते हैं उनको भी हराना सबसे आसान होता है. लिख करना मतलब हराना सबसे आसान होता है. टीच हिम इफ़ यू कैन. अगर तुम सिखा सको तो ये सिखा दो द वंडर ऑफ बुक्स. द वंडर ऑफ बुक्स मीन्स कि बुक्स के बीच में कितना ही नॉलेज है, कितना ही गेन करने के लिए नॉलेज लर्निंग्स हैं. बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पोंडर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई. और साथ ही साथ उसको ये भी टाइम दिया जाए कि किस तरह से आसमान में बर्ड्स जो हैं या बीज इन द सन
एंड द फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिल साइड, या जो बीज हमें देखने को मिलती हैं या ग्रीन हिल साइड पे हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, उनके बीच में इंटरनल मिस्ट्री, मतलब कितना इंटरनल मिस्ट्री है, कितना रहस्य है जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते। इन स्कूल टीच हिम इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। स्कूल में उसे ये सिखाया जाए कि चीटिंग करने से बेहतर कि हम फेल हो जाएं, वो ज़्यादा ऑनरेबल होगा, वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगा। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़। उसको ये सिखाया जाए, इब्राहिम लिंकन ये कहता है उसके टीचर को कि उसे ये सिखाया जाए कि उसके अपने आइडियाज़ जो उसके मन में डिवेलप होते हैं उसके ऊपर विश्वास करना सिखाए। इवन इफ़ एवरी वन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, चाहे हर कोई उसे ये कहे कि तुम गलत हो। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ। और उसको ये भी सिखाया जाए, जेंटल मीन्स काइंड, काइंड के साथ काइंड रहे और टफ के साथ टफ रहे, मतलब जो लोग टिपिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ वैसा रहे, जो काइंड है उनके साथ काइंड ही रहे। मीन्स जिस तरह का ह्यूमन बींग है, जिस तरह की नेचर की वो पर्सनैलिटी है, उसके साथ वो वैसे ही डील करे। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. It means कि मेरे बेटे को ऐसी strength देना कि वो सारी crowd को follow ना करे, जहाँ सारे लोग जा रहे हों, जब हर कोई bandwagon means वैसे, it means this is a carriage, it means कि हर कोई अगर एक side पे जा रहा है तो उस crowd को follow ना करे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उसको ये सिखाया जाए कि उसे सारे ह्यूमन बींग्स की बात को सुनना चाहिए। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ द ट्रूथ। इट मीन्स कि सबकी बातों को सुनकर, सारी लोगों की बातों को सुनकर, फिल्टर मीन्स उनको परखे, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और जो उसमें से अच्छाई और सच बाहर निकलता है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ, अगर सिखा सको तो उसको सिखाओ कि वेन ही इज सैड, कि जब वो उदास हो तो कैसे हंसा जाता है। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, उसको सिखाया जाए कि रोने में कोई शर्म की बात नहीं है। टीच हिम टू स्कॉफ एट द सिनिक्स, उसे ये सिखाया जाए, टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स। सिनिक्स मीन्स ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। वो लोग जो ये मानते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ों को या काम को अपने लिए करना चाहिए बजाय कि दूसरों की हेल्प करने के। एंड टू बियर बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, इट मीन्स उसको ये सिखाया जाए कि जो ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट हैं उनका मजाक उड़ाना वो, और साथ ही साथ जो लोग बहुत मीठे होके बातें करते हैं उनसे बचना भी सिखाए, उसे अवेयर करना भी सिखाए। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाइएस्ट बिडर्स। बिडर्स मीन्स जब हम कभी नीलामी होती है या चीज़ में बिडिंग होती है तो वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि उसको ये सिखाया जाए कि अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा दिमाग इन हाइएस्ट बिडर्स में लगाए, बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग, इट मीन्स कि वो ये कहना चाहता है कि अपने दिल और आत्मा की कभी भी कोई कीमत ना लगाए। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ होलिंग मोब। होलिंग मीन्स टू मेक अ लाउड साउंड, मोब मीन्स क्राउड, भीड़, एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ थिंग्स ही इज़ राइट। उसको ये भी सिखाया जाए कि लोग जब लोगों की चीखने चिल्लाने वाली भीड़ के लिए अपने कान बंद रह कर जाए वो सिखाएं, तथा खड़े रहकर मुकाबला करना सिखाएं। और यदि वह ये समझे कि इफ़ ही थिंग्स इज़ ही इज़ राइट, तो ही वह सही के रास्ते पर चले। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम, इसमें वो ये चाहता है कि उसको जेंटली
पोलाइटली ट्रीट किया जाए बट डू नॉट कडल हिम। कडल हिम मतलब गले से लगा लेना, पर इतना भी कि उसको गले से मत लगाना, बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स द फाइन स्टील। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ को आग में जलाते हैं तो ही वो चीज़ बेहतर बन के आती है, जैसे गोल्ड के लिए बोला जाता है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट। उसको ये भी सिखाया जाए कि अगर लाइफ में इम्पेशेंट हो जाए, हमारे अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ के लिए भी जो करेज चाहिए वो उसके अंदर आ जाए। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। उसके अंदर बहादुर बनने के लिए, ब्रेव बनने के लिए भी पेशेंस जो है डेवलप करें। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ। उसको ये सिखाया जाए कि उसे अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना सीखना चाहिए, बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड। तभी उसके अंदर बाकी ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़्यादा फेथ होगा। सब्लाइम मीन्स ऑफ द बेस्ट काइंड। दिस इज़ अ बिग ऑर्डर बट सी वट यू कैन डू। ये उसके फादर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, बट फिर भी वो लास्ट में इस लेटर में वो टीचर को ये कहता है कि दे फिर भी देख लेना तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। ही इज़ सच अ फाइन लिटल फेलो माई सन। इट मीन्स सारा कुछ कहने के बावजूद भी वो ये कहता है कि है तो वो एक छोटा सा लड़का ही जो कि मेरा बेटा है। और इस लेसन्स में ये हमने पढ़ा है, इट मीन्स इसके सिनॉप्सिस ये हैं कि ही वॉन्ट्स द टीचर टू टीच हिज सन हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। मीन्स इस चैप्टर में वो ये कहता है कि उसका टीचर के लिए वो ये चाहता है कि वो उसका जो स्टूडेंट सन है उसको ये सिखा दे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो किस तरह से बिहेव करे। ही वॉन्ट्स हिज सन टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, कि वो दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल बने। साथ ही साथ वो ये चाहता है कि हिज सन शुड ग्रो इनटू अ वाइज इंटेलिजेंट ब्रेव एंड पेशेंट पर्सन, कि उसका जो बेटा है वो लाइफ में वाइज इंटेलिजेंट ब्रेव और पेशेंट पर्सन बने। और साथ ही साथ ही वॉन्ट्स दैट हिज सन शुड बी एबल टू डिसाइड हिज ओन पाथ, कि उसको अपना रास्ता खुद डिसाइड करना चाहिए आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द क्राउड, बजाय कि वो दूसरों की भीड़ को जाकर फॉलो करे।